Hello friends, this is Nivedita. Welcome to my channel. How are you all? Hope you all are fine. ये जो मिर्ची दिख रहा है ये मैं आज कलेक्ट की हूँ और ये फुली ऑर्गेनिक है। इसी तरह की मिर्ची कैसे आप पा सकते हैं अपने जो पॉट में लगा के अपने रूफ किचन गार्डन से, तो मेरे वीडियो को बिना स्किप किए तो एंड तक वॉच कीजिए। मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी किस तरह आप मिर्ची के पौधे लगा सकते हो। मिर्ची के पौधा लगाने के लिए फर्स्ट हमको पॉट सिलेक्ट करना है। पॉट थोड़ा बड़ा चौड़ा भी होना चाहिए। ये जो पॉट आपको दिख रहा है ये मेरी हैंडमेड पॉट है और ये सीमेंटेड पॉट है। और सीमेंट के पॉट आप किस तरह बना सकते हैं इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पे, आप वहाँ पे जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ पे जाके विजिट करके देख सकते हो। आई बटन प्रेस करके भी आप देख सकते हो, नहीं तो आप रेडीमेड जो पॉट मिलता है उसको भी आप खरीद के मिर्ची के पौधा लगा सकते हो। ये देखिए ये पौधा का ग्रोथ देखिए किस तरह हुआ है, कितने सारे ग्रीन चिली इसमें लगे हैं और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं एक सूखी मिर्ची ली हूँ, आप मिर्ची के पौधे भी मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक जो आइडिया दे रही हूँ। और इस तरह बीज को डालेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी हम कवर करेंगे। देन इसके ऊपर अब इसमें हम पानी हाथ से ऐसे सींचेंगे। आप स्प्रिंकलर का भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर मगे से डालना है तो डायरेक्ट नहीं डालना है, क्योंकि अगर बीज नीचे चला गया तो वो बहुत लेट में आएगा उसका पौधा। देखिए इस तरह मैं डाल रही हूँ पानी। देखिए अब 5 to 6 days के बाद ये देखिए ये आ गया है, इसमें पौधा छोटे छोटे आ गए मिर्ची से। ये पौधा जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हाइट में आपको दिखाऊंगी इतने हाइट का होना चाहिए, देन हम इसको लगाएंगे। ये जो मिर्ची का पौधा आपको दिखा रहे हो इसी तरह का मिर्ची का पौधा होना चाहिए, देन आप दूसरे पॉट में आप ट्रांसफर कर सकते हो। इस पॉट में तो मेरे जगह है इसलिए मैं इसी में लगाऊंगी। ये जो मिट्टी में मैं सारे खाद ऑलरेडी मिक्स है, क्योंकि मैं वेजिटेबल्स की पिल किचन वेस्टेज इसको मैं डालती रहती हूँ, गोबर खाद। और ये जो खाद आपको दिख रहा है ये नॉर्मली हमारे जो कूड़ा वाला आता है, हमारी किचन की जो वेस्टेज लेता है उसी में बनाता है, ये खाद मैं उससे ली हूँ और इसको अभी मैं मिक्स कर रही हूँ।
और इसको मिक्स करने के बाद अब ये जो पौधा हम लगाएंगे, पौधा पहले से मेरे गार्डन में था, इसको हम लगाएंगे अभी। अब इसको इस तरह लगाना है, थोड़ा सा गड्ढा करेंगे और इसकी जो जड़ की साइज को अंदर तक जाने देंगे, देन हम इसकी प्रेस करेंगे अच्छे से, क्योंकि अगर प्रेस नहीं होगा तो इसके अब जड़ ही सड़ जाएगा, फंगस हो जाएगा उसमें। अब इसमें थोड़ा हम पानी डालेंगे, रोज पानी डालना है, बारिश हो जाए तो उसको छोड़ देना है, लेकिन जैसे सूख जाए मिट्टी तो हम रोज पानी डालेंगे इसमें। ये देखिए एक छोटा सा मिर्ची का पौधा है मेरा है ऑलरेडी, इसमें मिर्ची भी आना स्टार्ट हो गया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये जो मिर्ची के पौधे की केयर कैसे करना है। हमको नॉर्मली 1 वीक और 2 वीक में हम इसको कुड़ाई करना है। अब वेजिटेबल्स के पील रहता है, किचन का वेस्टेज रहता है, इसको हम इसी की मिट्टी के थोड़ा गुड़ाई करके हम डाल देंगे इसमें, क्योंकि अगर इसमें आप खाद नहीं डालोगे, गुड़ाई नहीं करोगे, ये मिट्टी सख्त हो जाएगा और पानी इसके नीचे नहीं जाएगा, आपके पौधे के प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होगा और मिर्ची भी सही से नहीं आएगा। देखिए मेरे हर पौधे में दिखा रही हूँ आपको, अच्छे से ग्रोथ हुआ है और इसमें अच्छे से मिर्ची भी लगे है। आपको और एक पौधा दिखाती हूँ, ये देखिए ये एक रेडीमेड सीमेंट पॉट में लगाई हूँ और ये देखिए इसका ग्रोथ किस तरह से हुआ है। एक ही मिर्ची का पौधा है लेकिन इसमें बहुत सारे मिर्ची भी लगे हैं और फुली ऑर्गेनिक वे में। आप इसी तरह का मिर्ची का पौधा पा सकते हो, आप घर में लगा सकते हो। और होप आपको ये वीडियो में ये कुछ बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा किस तरह आप मिर्ची के पौधे सीमेंट पॉट में लगा के ऑर्गेनिक मिर्ची खा सकते हो अपने घर में। होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू व्यूअर्स, बाय बाय।